खेसारी लाल यादव के लिए शहनाज किसी फरिश्ते से कम नहीं है भाई। हाँ, फरिश्ता तो आप उसे ही कहेंगे ना जो आपको ये रियलाइज़ कराए कि भाई जो आपने डिसीज़न लिया है वो गलत नहीं है। कल जब बिग बॉस ने खेसारी लाल यादव को सजा सुनाई कि उन्हें उनके अगले आदेश तक घर में चौकीदारी करनी है, उसके बाद खेसारी लाल यादव शहनाज से बात करते हुए पाए गए कि उन्होंने लगता है बिग बॉस में आकर बहुत गलती कर दी है। खेसारी ने यहाँ ये भी कहा कि वो दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं, दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तब शहनाज ने उन्हें समझाया कि खेसारी, ये गेम है, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि तुम डांस करके लड़के झगड़ कर इंटरटेन करो। जी नहीं, ये बिग बॉस है, यहाँ पर जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी है तब उठाओ, ये नहीं कि तुम किसी का भी सुन के ले लो। अब भाई, आपको कोई किसी अच्छी चीज़ का एहसास कराए जो कि आपके दिल में दबी है लेकिन बाहर नहीं आ रही है, वो आपके लिए फरिश्ते से कम नहीं है। आपको ये बता दें कि वैसे भी खेसारी लाल यादव बहुत चाह रहे हैं कि वो अपने आप को या यूँ कह लें कि घर वालों को पूरी तरह से इंटरटेन करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। खेसारी बहुत चाह रहे हैं कि वो घर वालों की रंग में रंग जाएं, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि खेसारी ने शायद इस तरह के माहौल का सामना ही नहीं किया है। वैसे इसमें खेसारी की गलती नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक लाइफस्टाइल होती है, लेकिन खेसारी जितने दिन भी हैं बिग बॉस में, वैसे वो एलिमिनेट हो चुके हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया में उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है। आपको बता दें कि एलिमिनेट भले ही खेसारी हो गए हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव घर से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि घर से बाहर जाएंगी तो माहिरा, यकीन है आप खेसारी का साथ जरूर देंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।